धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बैठिए प्लीज, बैठिए बैठिए। अर्चना जी, आज टेलीविजन इतिहास के सबसे बड़े और सबसे लोकप्रिय शो के वो कलाकार इस मंच पे आ रहे हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में जगह बनाई। ये हर एक दिल में बसते हैं। ये टेलीविजन के पहले ऐसे स्टार्स हैं जिन्हें देख के हर कोई श्रद्धा से हाथ जोड़ देता था, और बहुत से लोग तो सीरियल शुरू होने से पहले चप्पल उतार के बैठा करते थे टीवी के सामने। मैं बात कर रहा हूँ श्री रामानंद सागर द्वारा निर्देशित देश के सबसे लोकप्रिय सीरियल रामायण की। आप सबने देखा होगा, तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाते हैं श्री राम जी का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल साहब को, सीता माता के किरदार निभाने वाली दीपिका जी और लक्ष्मण जी का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी जी की जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। सर नमस्कार, वेलकम सर, वेलकम वेलकम दीपिका जी, वेलकम सर, वेलकम सर, आइए सर। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। मुझे इतनी खुशी हो रही है बिकॉज हम लोगों ने रामायण इतना देखा है, और मेरे ख्याल से शायद वही रामायण एक सीरियल है जो अब तक हमारी यादों में है, क्योंकि इतना लोकप्रिय और कुछ हुआ नहीं एक्चुअली, कभी नहीं। तो सर मेरी आपसे दूसरी मुलाकात है, पहली आपको याद नहीं होगी मतलब पहले वो इसलिए याद नहीं बिकॉज मुझे, मैं 10-12 साल पहले की बात, मैं तो सर को जानता ही हूँ बचपन से। तो वो जो एयरपोर्ट पे बस नहीं लेके जाते एयरक्राफ्ट तक, तो मैं बस में बैठा हुआ था, सडनली अरुण जी आए, तो मेरे मन में इतना प्रभाव, मैंने देखा प्रभु, मैं खड़ा ही हो गया तो उसके बाद आज मुलाकात हो रही है। बहुत लोगों के साथ नहीं होता था सर। और रामायण के बारे में क्या बताऊँ, मेरी माँ सामने बैठी हुई है। मेरे नाना जी जो थे, अब इस दुनिया में नहीं है, तो वो क्या करते थे, हम जब गर्मियों की छुट्टियां में भी गए तो मेरी मासी या मेरी मामियाँ सबको बोलते थे दुपट्टा ही ले लो आप सर के ऊपर, रामायण शुरू हो रही है। सो बाकियों की तो हम लोग बातें सुनते थे कि ऐसा होता है, लेकिन मेरे घर में मैंने देखा है, तो आज बड़ा अच्छा लग रहा है सर। फल रखें प्रभु, भोग लगा सकते हैं आप। शबरी होनी चाहिए चख के खिलाने के लिए। नहीं, हमारी जो माता शबरी वो किसी को देती नहीं, फल खुद ही खा जाती है। सर सबके मन में एक सवाल है कि रामायण इतना बड़ा हिट सीरियल हुआ, आप सब लोगों की कास्टिंग कैसे कैसे सौभाग्य हुआ आप सबका? इसकी कास्टिंग के पीछे तो बहुत सारे किस्से हैं कपिल जी। सागर साहब के कैंप में मैंने विक्रम और बेताल किया था जी, प्रेम सागर जी ने बनाया था। फिर मैंने एक फिल्म की जो आनंद सागर ने डायरेक्ट की थी, अच्छा जी, वो फिल्म की मैंने। तो मुझे अचानक एक दिन पता लगा कि सागर साहब रामायण बनाने वाले हैं। अच्छा जी। तो मेरे मन में न जाने क्यों ये ख्याल आया कि मुझे राम जी का किरदार करना चाहिए। अच्छा जी। मैं उनके पास चला गया। अच्छा, अपनी कास्टिंग खुद ही की आपने? मैंने खुद ही कर ली थी अपनी कास्टिंग। तो मैं चला गया उनके पास, मैंने उनसे कहा जी राम जी का रोल करना है मुझे, मैंने सुना रामायण बना रहे हैं आप। अच्छा जी। तो उन्होंने ना ऐसे छोटा चश्मा लगाते थे बिल्कुल। अच्छा जी। देखते बड़ा बड़ा थे। अच्छा। तो देख लिया उन्होंने, कहते हैं? मैंने कहा हाँ जी ठीक है, टाइम आएगा तो बताएंगे। सर टाइम आया, उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया। अच्छा जी। और आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। तो सर बात आई गई हो गई। फिर पता नहीं क्या हुआ, एक दिन सागर साहब का फ़ोन आया, तुम क्या कर रहे हो? मैं कहा सर कुछ नहीं कर रहा। तो बोले ज़रा आ जा। मैं घर चला गया सर उनके। तो फिर उन्होंने जो लाइन थी वो मुझे आज तक बहुत अच्छी तरह याद है। भाई अरुण, वो जो साड़ी सिलेक्शन कमेटी है, अच्छा जी, वो डिसाइड की थी तेरे वर्गा राम ने मिलना। अच्छा, वाह। मैं कहा पता नहीं ये तो क्या हुआ जाने। तो ये तो है मेरी कहानी। वाह। तो मुझे तब यही लगा कि भाई हर मोड़ पर इंसान की मर्जी तो नहीं चलती। बिल्कुल। उसकी जब चलती है ना, बिल्कुल, तो किसी की नहीं चलती है। क्या बात है। जैसे उन्होंने बताया, मैं भी विक्रम बैताल में काम कर रही थी उनके साथ। उनके बंगले में शूटिंग होती थी उस टाइम पे। अच्छा जी। तो एक दिन मैंने देखा बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, एंड पता नहीं क्या हो रहा है। मैंने पूछा, कोई घर के कोई भाभी जी मस्ट हैव स्टार्टेड नर्सरी और कुछ चल रहा होगा, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ऐसा दौर रहता था कि छोटे छोटे बच्चे को बुलाओ, पढ़ाओ और यू नो समथिंग लाइक दैट। तो बोला नहीं, यहाँ तो रामायण की शूटिंग के लिए दे आर टेस्टिंग फॉर लव कुश। अच्छा, मैंने कहा राम सीता हो गए? नहीं, राम सीता नहीं हुए, लव कुश कर रहे वो लोग। अच्छा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड फिर अचानक पापा जी का एक बार फ़ोन आया, कुड़ी तू भी आ जा, सीता के रोल के लिए टेस्टिंग कर लेते। अच्छा जी। मैंने कहा आपके सीरियल में विक्रम बेताल में काम कर रही हूँ, दादा दादी की कहानी में काम कर रही हूँ, एंड अभी भी यू वांट मी टू टेस्ट, एंड वो भी राजकुमारी में ही रहती हूँ मैं, तो हमेशा यू नो मुगट उगट पहन के घूमते रहते थे हम लोग। तो आई सेड व्हाई, तो सिंह नहीं, सीता ऐसी लगनी चाहिए कि स्क्रीन पे आए ना तो मैं इंट्रोड्यूस नहीं करूँगी कि भाई ये सीता है, वो जब चार बहनें चलेंगी ना तो ऑडियंस कहेंगे ये सीता है, मुझे वो चाहिए। मैंने कहा ओके फाइन। तो उसके बाद तो ऑफकोर्स 4-5 स्क्रीन टेस्ट हुए हैं, फाइनली आई गॉट टायर्ड, भाई लेना है तो लो नहीं तो कोई बात नहीं। अच्छा। तो देन लास्ट स्क्रीन टेस्ट में ही सेइंग यस दिस इज माय सीता। क्या बात है। सो दिस वाज द स्टोरी। और सुनील सर आप, जैसे कि अरुण जी ने और दीपिका जी ने कहा कि विक्रम बेताल दादी, मैं भी नहीं विक्रम बेताल और दादा दादी किया था। अच्छा जी। प्रेम जी ने मुझे इंसिस्ट किया कि ऑडिशन देने के लिए, मैं बहुत ज़्यादा नहीं था इंटरेस्टेड। अच्छा। उन्होंने कहा नहीं ऑडिशन दे दो, मैंने कहा चलिए ठीक है ऑडिशन देता हूँ। ऑडिशन दे दिया, सिलेक्शन हुआ, पर मेरा सिलेक्शन हुआ था शत्रुघ्न के लिए। अच्छा जी। हाँ, लक्ष्मण के लिए नहीं हुआ था। अच्छा जी। लक्ष्मण एक बहुत अच्छे मेरे मित्र बन गए थे उन दिनों, शशिपुरी जी वो कर रहे थे, पर उनका कोई वजह थी, आई डोंट नो, लाइक मैंने कभी ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं गया, उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगा। मैं किसी और की शूटिंग कर रहा था, तो बाय चांस ही, कहते हैं ना किस्मत कई बार बहुत बड़ी होती है, तो मैं क्रॉस किया रोड, तो सागर साहब वहाँ से निकले, गाड़ी रोकी, मुझे पूछा क्या कर रहा है, मैंने कहा कुछ नहीं शूटिंग कर रहा हूँ। कहते चल ऑफिस चल, मैंने कहा नहीं मैं शूटिंग कर रहा हूँ, फिर आता हूँ आपसे बाद में मिलता हूँ। मैं उस दिन गया नहीं, भूल गया, और उन दिनों मोबाइल नहीं होते थे जी, तो लैंडलाइन, और मेरे पास में लैंडलाइन भी फ़ोन भी नहीं था। अच्छा। तो उन्होंने किसी को घर पर भेजा मेरे कि भाई इसको बुलाओ। अच्छा। मैं गया वहाँ पर, तो कहने लगे कि मैं चाहता हूँ कि तू लक्ष्मण कर। मैंने कहा लक्ष्मण तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, फिर मैं क्यों लक्ष्मण करूँ। कहते नहीं नहीं मैं चाहता हूँ तू लक्ष्मण कर। मैंने शशिपुरी को फ़ोन किया, मैंने कहा देख भाई मुझे ऐसा ऐसा ऑफ़र किया है, पर यू आर डूइंग इट एंड यू आर फ्रेंड, एंड ये मेरी फ़र्ज़ बनता है, मेरा ड्यूटी बनती है कि आई शुड आस्क यू। ये सर देख मैं तो करने वाला नहीं हूँ, और किसी और को फाइनल करें, तेरी इच्छा है करने की तो कर ले। तो देन आई गॉट इनटू इट एंड टोल्ड सागर साहब कि हाँ ठीक है मैं लक्ष्मण का रोल करूँगा, और रेस्ट इज़ हिस्ट्री। क्या बात। अच्छा, मैंने जैसे पहले कहा ना कि लोग टीवी के आगे अगरबत्तियां जलाते थे, और लेकिन मैंने हम लोग तो ऐसे अफवाहें सुनते थे सर, अब सच्ची होंगी जाहिर सी बात है, कि जब आप लोग कहीं बाहर जाते थे तो लोग इनकी भी आरती करना शुरू कर देते थे, तो तब कभी ना कभी दिमाग में तो आता होगा कि आप उन्हीं भगवान हैं सर। क्या फील आता था सर उस समय आपके मन में? ये पहली बार मैंने सुना है कि ये दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। कपिल जी अगर ये बात दिमाग में आ जाती ना जी, तो आज हम यहाँ नहीं होते। कहीं पूजा पाठ करवा रहे होते, कहीं सड़क पे घूम रहे होते फटे कपड़ों में। पर फिर भी सर लोग तो करते थे ये सब। हाँ, लोग करते थे। ये लोगों की श्रद्धा, ये उनकी भावना है, श्रद्धा है भगवान राम के प्रति। लेकिन जब एम्बैरेसिंग लगता था इनफैक्ट, लेकिन जब लोग आपको ऐसे देखते हैं, इस नजरिए से देखते हैं, तो आप पर कितनी पाबंदी लग जाती है ना कि अब मेरा जो बिहेवियर है इस दर्जे का होना चाहिए। आपकी पर्सनल लाइफ या जो भी कुछ रिलेशनशिप्स एंड यू नो सो मेनी थिंग्स, यू आर ऑलवेज कॉन्शियस, क्योंकि आपको जब आइडेंटिफाई करते हैं वो दीपिका बाद में आता है, इट इज ऑलवेज सीता जी, सो ऑलवेज। अभी अभी जो आपने इमेज की बात की ना, या पाबंदियों की बात की, उन दिनों मेरे पास कितने फोटोग्राफर्स आते थे कि सर कवर पेज पे एक फ़ोटो चाहिए आपका, और मैगजीन ने ये कहा है कि पैसे जितने चाहे ले लेना, तू एक फ़ोटो ला दे अरुण जी का, हाथ में ग्लास चाहिए, चाहे ग्लास में विस्की हो या ना हो, पानी हो वो भी चलेगा। ओह माय गॉड, मतलब ये हद थी पाबंदियों की। और मैंने वो फोटोग्राफ जब तक रामायण चली और जब तक ये सब हुआ, मैंने कभी उस तरह का फोटोग्राफ नहीं दिया। छोटा किस्सा आपको और बताता हूँ। अच्छा जी। मैं एक फिल्म कर रहा था साउथ में, बाइलिंगुअल फिल्म थी। अच्छा। तमिल एंड तेलुगू, और मेरे साथ वहाँ की बहुत बड़ी स्टार थी उन दिनों, भानुप्रिया। अच्छा जी। तो वो लक्ष्मी का रोल कर रही थी, मैं बालाजी तिरुपति मद्रास में शूटिंग कर रहा था। सर उन दिनों में सिगरेट पीता था, और बहुत पीता था, तो लंच टाइम में मुझे नेचुरली सिगरेट की तलब हुई, तो स्टूडियो में जो पर्दा लगता है जिसपे सेट का वो बैकग्राउंड बना होता है, उसके पीछे कोने में अपनी कुर्सी डाल के मैं सिगरेट पी रहा था। अच्छा जी। इतने में एक जेंटलमैन वहाँ आए, he looked at me, सर उन्होंने जो अपनी भाषा में जो अड़गम बड़गम जितना भी उन्होंने बोलना था वो सारा बोला, और वो मुझे भाषा न समझते हुए भी ये समझ में आ गया कि इन्होंने मन भर के मुझे गालियाँ दी हैं। तो मैंने उनको अंग्रेजी में कहा कि प्लीज़ थोड़ा शांत हो जाइए। फिर मैंने किसी को बुलाया, भैया ये क्या बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है ये मुझे गालियाँ दे रहे हैं। कहते हैं सर ये कह रहे हैं कि हम तो तुम्हें भगवान मानते हैं और तुम ये कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। और अर्चना जी वो दिन था और आज का दिन है, मैंने उसके बाद जिंदगी में सिगरेट नहीं पी। क्या बात है? तो प्रोफेशनली भी बहुत फर्क पड़ा होगा ना, क्योंकि आप वो रोल्स नहीं ले सकते जो आप यू नो आमतौर पर यू नो यू मे हैव चोजन। इतना फर्क पड़ा था कपिल जी, बताओ। मैं उन दिनों बहुत ज़्यादा फिल्मी पार्टियां हुआ करती थी, बड़ी बड़ी पार्टियां होती थी। अच्छा जी। तो मैं जब रामायण पॉपुलर हो गई थी तो मैं एक पार्टी में गया, उसमें श्रीदेवी जी बैठी हुई थी। अच्छा जी। उसमें जयाप्रदा जी बैठी हुई थी और मुझे देखा और उठकर खड़ी हो गई और नमस्ते कर दिया। दिस वॉज द इमेज। पर मैम ये आपको कब रियलाइज हुआ कि इतना पॉपुलर हो गया रामायण? क्योंकि जब शूटिंग हुई जाहिर सी बात है 1-2 वीक के बाद ही टेलीकास्ट शुरू हो गया होगा। हमको तो आई थिंक 2-3 महीने के बाद रियलाइज़ हुआ कि इतना मतलब फेमस हो गया। इंटरनेशनल लेवल के जर्नलिस्ट आते थे सेट्स के ऊपर, एंड देन हम लोग को इन्विटेशन आने लगे मॉरिशस से। राजीव गांधी इन्वाइटेड अस टू कम टू दिल्ली, तो तब पता चला। मैंने कहा क्यों बुला रहे हैं हमको, क्या किया हम लोगों ने? क्योंकि 28 डेज हम लोग रामायण में उमरगांव में रहते थे, कुछ फ़ोन नहीं, कहीं नहीं। अगर फ़ोन करना है तो पोस्ट ऑफिस जाओ, वहाँ पे फ़ोन करो। वो भी शूटिंग के टाइमिंग्स बड़े ऑड हुआ करते थे। सो देयर वाज नो कम्युनिकेशन के कोई ये कहेगा कि ओ माय गॉड आप लोग कुछ कमाल कर रहे हैं। सो दिस टुक अस 2-3 मंथ्स एंड देन वी रियलाइज्ड। जब इन्विटेशंस आए हम लोग जाने लगे। इनफैक्ट हम लोग दिल्ली गए थे फॉर राजीव गांधीज थिंग व्हेन ही वांटेड टू फेलिसिटेट अस। तो वहाँ पे एक स्टेडियम था, वहाँ पे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आए। यस दैट्स राइट, यस। एंड मतलब बूढ़े लोग 80-90 ईयर्स ओल्ड सब ऐसे साष्टांग प्रणाम करे। हम लोग ऐसे चौंक रहे, उनको लग रहा है वाकई में राम सीता मतलब है, हम लोग हस्बैंड वाइफ है। सो मतलब ये सब रियलाइजेशन 2-3 महीने के बाद हुई हमको। एंड देन वी रियलाइज ओ एक जिम्मेदारी है, साड़ी पहन के ही जाओ। यू नो यू कैन नॉट वेयर जीन्स, यू कैन नॉट वेयर ट्रैक पैंट्स, यू हैव टू फॉलो अ नॉर्म। इनफैक्ट वो आईपी स्टेडियम का किस्सा है कि वहाँ पे मालाएं डलती थी हमारे गले में, और इतनी मालाएं डलती थी हमारा चेहरा ही नजर नहीं आता था। वाह। और फिर बाद में उतरती थी, फिर डलना शुरू हो जाती थी। और कम से कम मेरे ख्याल से शायद हम तीनों के गले में इतनी मालाएं डली होंगी कि मालाएं के लिए एक ट्रक बुलाना पड़ा होगा ले जाने के लिए। कितना स्टारडम देखा आप लोगों ने, वाओ। तो सर कभी ऐसा हुआ जैसे लोग इतना क्रेजी थे उस रामायण के लिए और आपके किरदारों के लिए कि भीड़ इतनी आई हो और आप खुद ही परेशान हो गए हो? अर्चना जी आप यकीन नहीं करेंगे, एक इंसिडेंट था जब हम रामलीला ग्राउंड में गए थे वहाँ पे दिल्ली में एक फंक्शन के लिए। तो होता ना कि नया नया मुझे स्टारडम भी था, तो लोग हाथ बढ़ा रहे थे मिलाने के लिए। हाँ। मैं भी हाथ बढ़ाने लगा, तो बढ़ाते बढ़ाते देखा थोड़ी देर में मेरा कुर्ता की रस्सी नहीं गायब थी। उसके बाद मैंने कसम खाई हाथ नहीं मिलाऊंगा, हाथ जोड़ूंगा। अरुण सर बहुत सारे लोग तो दशहरा पे भी आपके पास आते होंगे, सर रावण दहन करना आप ही करो? जी मैंने बहुत बार रावण दहन किया। आप गए करने? हाँ बिल्कुल किया। अभी भी जाते हैं? अभी भी मैं भी जाती हूँ, काफी जाती हूँ। अच्छा, इनफैक्ट 2 बार तो आई थिंक हम लोग साथ में गए हुए हैं। या अरुण सर जब आपके किरदार में देखते थे हम हमेशा स्माइल करते थे अरुण सर। तो मैं कभी कभी सोचता था, मैं कभी लोग आते ना प्रभु ये हो गया फलाना ये हो गया इतनी प्रॉब्लम आ गई प्रभु आप ऐसे, तो वो इतना अच्छा लगता था देख के, इतना सूदिंग लगता था। आपको एक बात बताऊँ, आपने स्माइल का जिक्र किया, स्माइल के पीछे भी एक कहानी है। अच्छा अच्छा जी। सागर साहब ने जब कह दिया कि हाँ ठीक है भाई तुम अब राम हो, ओके, तो मेकअप टेस्ट और ये सारा कुछ शुरू हुआ जी। तो सब देखा, फोटोग्राफ लिए, सब कुछ किया, पर इंसान नज़र आता था हमें, भगवान नज़र नहीं आ रहा था। अच्छा मेरे फेस में। तो क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, तो मैंने मुझे ब्रेक दिया था राजश्री पिक्चर्स ने। अच्छा जी। हाँ बरजात्या जी ने। तो मुझे बरजात्या जी की एक बात याद आई, राजकुमार जी की, कि अरुण तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है अरुण जी, इसे कभी यूज़ कीजिएगा। अच्छा जी वाह। तो मैंने वो स्माइल उसमें डाल दी। अच्छा। एंड दैट वाज इट। क्या बात है सर। जैसे सर आजकल तो इतनी सारी फैसिलिटीज आ गई हैं, हाँ। इंडोर स्टूडियोज हैं, एसी हैं, आप लोग आउटडोर में शूट करते होंगे, स्पेशली जब वो बड़े वाले सीन शूट करते हैं मैदान में, युद्ध का ये वो, तो कितनी सारी चीज़ें पहन के रखना, इतने सारे गहने, आभूषण, मुकुट, विग, तो कभी कभी खुजली होती है इंसान को। तो बहुत होती थी। तो उस समय मैं सोचता हूँ क्या उस समय कभी ऐसे नहीं हुआ आपके दिमाग में कि यार तीर निकाल के ऐसे कर लूँ? नहीं, यही करना पड़ता था, और बाद में तो पहनने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, उनको देखते ही खुजली होने लगती थी। अच्छा, ऊपर से वैनिटी वैंस भी नहीं होती थी ना? ना ना, कुछ भी नहीं। तो लंबा सीक्वेंस चल रहा है, कभी वॉशरूम जाना है, तो क्या करते थे सर फिर? जैसे मैनेज होता था वैसे ही करते थे सर। और आपने सभी इससे पहले कभी इतनी शुद्ध हिंदी बोली थी सर? अरुण जी तो बोलते रहे, मेरी निवान हिंदी रही है, मातृभाषा मेरी हिंदी है। अच्छा जी। और अच्छी है, तो मैं तो बोलता था। तो फिर जब दारा जी हनुमान जी का रोल करते थे, हाँ, तो उनका तो हिंदी के, क्योंकि पंजाबी आदमी जो होता है ना, इंग्लिश बड़ी अच्छी बोल लेंगे बाहर जाके, लेकिन हिंदी से हमारा थोड़ा। सर किसी को पहली बार पता लगा कि हनुमान जी पंजाबी थे। दारा जी ने जितनी भी हिंदी बोली वो सब पंजाबी में ही बोली। हाँ। उनका वो जो वानर का मुख था, आई थिंक ही गॉट अवे बिकॉज ऑफ दैट। और बड़े क्यूट लगते थे दारा जी। वेरी क्यूट, वेरी फाइन जेंटलमैन, वेरी वेरी बहुत एब्सोल्युटली जेम ऑफ पर्सन। यू कांट गेट अ बेटर हनुमान जी एक्चुअली। अच्छा, कभी ऐसा नहीं हुआ आप शूटिंग कर रहे हैं सर और दारा जी तो मतलब रुस्तम हिंद कहा जाता है उनको, पहलवान, तो कभी कोई प्रॉब्लम आ गई हो शूटिंग पे चलते या कुछ भी हो गया हो और दादाजी ने अपना बजरंगबली वाला रूप दिखाया हो? सर मेरे साथ एक किस्सा जरूर हुआ है उनका, पर शूटिंग पे नहीं हुआ है। अच्छा जी। कीनिया में हुआ है, नैरोबी में। अच्छा जी। दादाजी और मैं काफ़ी मतलब है कि मिलते जुलते रहे और हम लोग साथ में घूमने भी गए, खाना खाने भी गए, ऐसे गए। तो एक बार हमने कहा चलो दादाजी शॉपिंग करने चलते हैं। अच्छा जी। तो शॉपिंग करने गए तो हमें छोटे छोटे दो ब्रीफकेस बड़े अच्छे लगे। अच्छा जी। तो एक दादाजी ने ले लिया, एक मैंने ले लिया ब्रीफकेस। तो दादाजी लंबे ऊंचे पूरे आदमी, वो बड़े बड़े कदम निकाल के आगे चले गए, मैं थोड़ा पीछे चल रहा था। तो वहाँ पे कोई चोर चक्का टाइप का आदमी है, उसने मेरा सूटकेस खींचा और भागा। अच्छा। तो मैंने कहा चोर चोर चोर, दादाजी ने उसको यूँ पकड़ा, हवा में लगा, यूँ पटका उसको। अच्छा, रामायण के हिसाब से तो जो भी लंका, रावण और जो लंका वासी हैं वो आपके दुश्मन थे सर। वैसे ये बच्चों का सवाल था, कुछ कह रहे थे, पूछना है कि जब ब्रेक होता था आप तब आपस में बातचीत करते थे, तब भी गुस्से में देखते रहते थे रावण को? रावण इतने अच्छे दोस्त हैं हमारे। अच्छा। कि आप मत पूछिए, बहुत बहुत अच्छे दोस्त हैं। We always had a great time with him. अच्छा जी। Fine, fine man, fine actor, very good human being. बहुत अच्छे। बड़ा उन्होंने भी कमाल का कैरेक्टर किया था, मतलब सर वैसा रावण दूसरा नहीं आया एक्चुअली, नहीं आएगा। तो सर जब इतने साथ काम करो, इतनी देर तक काम करो, और क्योंकि लंबे लंबे शूट चलते थे, लाइटिंग वाइटिंग हो रही है, जब आप आपस में आप प्रैंक्स भी तो करते होंगे कि नहीं टाइम पास के लिए? बहुत किए हैं। बड़ा नेचुरल सा है वो बात तो। इनफैक्ट कोई एक्सपेक्ट नहीं करता ना कि अरुण जी ऐसे प्रैंक्स भी करते होंगे, ऐसे चेहरे के साथ अभी। अच्छा, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, मतलब फॉरेन में भी जहाँ जहाँ हिंदी समझने वाले लोग हैं, और रामायण को तो मतलब खैर आप सब जानते ही हैं पॉपुलैरिटी कैसी थी। मैं सोचता हूँ कितना मुश्किल होता है सर, आप तो वेकेशन पे भी नहीं जा सकते, वेकेशन पे गए, आपका दिल करे बीच पे नहाने को। मैं बता दूँ आपको, पीक पे थी रामायण और मैं अपनी फैमिली के साथ मॉरिशस चला गया। अच्छा जी। मेरी पत्नी यहाँ बैठी है, गवाह है इस बात की, मेरी पत्नी और मेरा बेटा। आपका हेलो। तो मॉरिशस हम लोग चले गए। मॉरिशस में हम लोग होटल से रोड क्रॉस कर रहे थे कि इतने में दो तीन गाड़ियों ने स्क्रीच करके ब्रेक मारा और लोग उसमें से उतरे और भागे मेरी तरफ, और मेरी पत्नी को समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। अच्छा। मतलब मेरे पति ने ऐसा क्या कर दिया है कि लोग उसके पीछे भाग रहे हैं, और सर वो आके 3 फीट दूर रुके और सड़क पर साष्टांग दंडवत। वाह, अब देख लो, पता भी है लोगों को कि ये एक्टर है, पर फिर भी। अब आप ये सोचिए जब ये हालत होगी तो वो बीच पे कैसे नहाने देंगे? श्री राम की कृपा है सर, ये राम की कृपा है। अच्छा दीपिका जी, आप इतनी यंग थी जब आपने ये किरदार निभाया, तो कोई आपको हेलो हाय बोलता था तो आप भी रिप्लाई हेलो हाय करती थी कि आपका हाथ उठ जाता था? नहीं, सब पैर छूने ही आते थे। हेलो हाय कभी हुआ ही नहीं है, सीधा सीता जी, सीता माँ, सीता माँ, सीधा पैर। तो कई आपसे बड़ी उम्र के लड़के भी आपको ऐसे कर देते होंगे? मेरे से सब बड़े ही थे उस टाइम पे। हाँ। सब लोग आके पैर ही छूते थे, मतलब ये हाय हेलो हैंडशेक वाला तो कभी होता ही नहीं था। एक घटना बताता हूँ आपको बनारस की। अच्छा जी। बनारस में हमें बुलाया गया और बनारस में गंगा जो है वो एक मील का पार्ट होगा मेरा, गंगा का। तो मैं, दीपिका जी और सुनील जी, हम लोगों को एक नाव में बिठाया गया, ड्रेस में थे हम लोग। और बनारस का जो घाट है अर्चना जी, वो 10 किलोमीटर लंबा है और उस पर कम से कम 100-200 सीढ़ियाँ होती हैं। हाँ। तो हम लोग नाव में थे और बनारस के घाटों पर सिर्फ सर ही सर दिखाई दे रहे थे, एक इंच की भी जगह नहीं थी उस 10 किलोमीटर में। हर सीढ़ी पर लोग ही लोग, लोग ही लोग। It was in black and white in the newspaper. 1 million people had gathered there to have a look at Ram, Sita and Lakshman. Yeah. क्या बात है। मैं एक बार travel कर रही थी regularly, शादी-वादी हो गई थी उसके बाद, and वो scan करते हैं ना security। जी। So आपके तो 2 बेटे हैं। I said नहीं नहीं 2 नहीं है, 2 बेटियाँ हैं। नहीं नहीं 2 बेटे हैं, लव कुश। I said नहीं 2 बेटी हैं। तो मतलब वो दूसरी को कह रही मजाक करे, अरे आई एम सेइंग नो भाई मेरी 2 बेटियां हैं। सो दे आर सो कन्विंस्ड कि भाई ये तो लव कुश ही है। एंड देयर वाज अ टाइम व्हेन दे थॉट कि दिस इज माय हस्बैंड एंड दिस इज रियली माय देवर। सो पीपल वर कन्विंस्ड। 4 दिन पहले की बात है, एक मुल्ला जी बड़े मेरे ऑफिस के उधर सामने से, मैं बाहर टहल रहा था, कुछ ऑफिस में रेनोवेशन का काम चल रहा था, इसके लिए उन्होंने देखा, फिर ध्यान से देखा, फिर और ध्यान से देखा। वो अपने आँख से क्लोजअप ले रहे थे मेरा। अल्टीमेटली उन्होंने जब देख लिया फिर वो अंदर आए, अंदर आके कहते सर आपने रामायण सीरियल में काम किया? मैंने कहा जी। मैं कहते लक्ष्मण का रोल किया? मैंने कहा हाँ किया। कहता उस ज़माने में मैं भाग भाग के रामायण, हमारे घर में टीवी नहीं था, हम गांव में रहते थे, भाग भाग के किसी घर में जाके देखता था और ऐसे ऐसे झाँक झाँक के देखता था टीवी, और मुझे बहुत पसंद आता था रामायण, सारे कैरेक्टर बहुत पसंद आते थे। सोचिए वो हिंदू नहीं था, वो मुसलमान। हमें फ़ैन मेल, अरुण जी को पूछिए, हमें पूछिए, फ़ैन मेल 20 to 30% फ़ैन मेल ना पाकिस्तान से मुस्लिम्स की आती है। बहुत फ़ैन मेल आती है। क्या बात है, बहुत फ़ैन मेल। और अभी आपके आने से पहले ही ये शो शुरू नहीं हुआ था तो मेरे मेकअप मैन है, इज ए मुस्लिम, तो वो बता रहा था कि हमारे गाँव में एक ही टीवी था, तो जब रामायण आती थी तो बाहर लगा देते थे टीवी और सब मुस्लिम फैमिलीज देखती थी। ये अखंड भारत एक्चुअली। एब्सोल्युटली। यहाँ पे सभी मेहमानों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। चलो जी मैं चलता हूँ, आप संभाल लेना। अरे क्या हुआ? नहीं मैं तंग आ गया हूँ, चलो रोज रोज के नाटक किए, क्या अंडे की पीली जर्दी बन के आ गई। क्या ये सब? इस बार हम अपने कॉलेज के प्ले में स्वर्ग लोक की अप्सरा बने हैं। पूरा बताना, ये स्वर्ग की अप्सरा बनी और स्वर्ग वाले नर्क में शिफ्ट हो गए। बंद करो ये सब। इस मनुष्य को नजरअंदाज करते हुए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इस किरदार को निभाने के लिए मैं आप सबका आशीर्वाद लेने आई हूँ। कपिल जी कितना चाहिए आशीर्वाद, 1000 या 1500? ये पैसों को आशीर्वाद बोलना बंद करो। आई बड़ी अप्सरा ये पैसों को बोल रही थी? हाँ जी। ओह हाँ? नहीं अगर आप तो ये बोले ना मैंने आपके साथ फोटो लेनी है, मतलब 2000। अच्छा क्या आपने बता दिया? हाँ जी, तो यहाँ पे सब ऐसा ही है मामला। आई बड़ी अप्सरा। देखो कपू मैं ना अपने विद्यालय की सबसे खूबसूरत कन्या हूँ, तो विद्यालय का नाम तो बताओ। क्या लोग पढ़ते हैं शिशु विद्यालय में, ये पढ़ती पशु विद्यालय। आपको तो सब पता ही होगा, वहाँ की फीस आप ही तो भरते हैं। कुछ भी बोलते रहते हैं बस। अच्छा कुछ भी बोलते हो सर, मैं बताऊं लोग मेरी कला का लोहा मानते हैं। लोहा मांगते हैं, मांगते हैं सर, इसने गलत बोल दिया। हाँ। ये क्या पैरों में चुंबक वाले जूते पहन के ना बंगार वालों का लोहा उठा लेती है। तो ये उस हिसाब से। दीपिका मैम आप प्लीज़ इसकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। वो क्या है ना, आपने इतना अच्छा किरदार जो निभाया है ना, मैं एक्चुअली आपसे एक्टिंग टिप्स चाहिए बस। बात वही है, पहले आशीर्वाद फिर टिप्स, घुमा फिरा के मांगनी भीगी है बस। तू नेचुरल लुक में आती ना तो 10-15 रुपए तेरे को वैसे मिल जाते। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग खानदानी लोग हैं, ये सब बिल्कुल भी। तुम क्या खानदानी लोग बड़े, सड़क पे गिरा हुआ फूड स्ट्रीट फूड बोल के खा जाते हैं। और खानदानी लोग हैं हम। देखो कपू, शायद तुम्हें हमारी पॉपुलैरिटी का कोई अंदाजा नहीं है। हाँ। यार फैंस तो मेरे नाम का पासवर्ड रखते हैं अर्चना मैम। और जैसे ही पासवर्ड डालते ना कंप्यूटर बोलते हैं सॉरी पासवर्ड इज टू शॉर्ट, चेंज द पासवर्ड एंड गेट लॉस्ट। अब तो तुम बातें बना रहे हो कपू। तो क्या करें, तुम भी बनाओ कभी, हमें बातें बनानी पड़ती है। इतनी आलसी है ना, सोशल मीडिया पे फोटो डाल के लिखती है कैप्शन दिस, वो भी नहीं लिख रही। और नीचे एक पंजाबी आदमी ने कमेंट लिखा चल चल सानू और कोई काम नहीं है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये भी हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं। वो मुझे एक आदमी का मैसेज आया था, कह रहे थे सर आपके शो में जो भूरी है उसको बोलो अपनी फोटो हटाए, हमारा बच्चा रो रहा है। इसलिए बोलता हूँ ये सब बंद कर दे। ऐसे कैसे बंद कर दूँ? लंबी रेस की घोड़ी हूँ मैं कप्पू। यही बात बोल के ना मैं लंबी रेस की घोड़ी, घोड़े के चने खा गई उस दिन। घोड़ा कहता है चने तो खा लिए, तो नहीं करके दिखा, इसने कर भी दिया। कहती और अपना भी बता दो। हाँ, बंदरों से जो फल चोरी करवाते रहते हो वो भी बताओ। एक तो तेरी बुआ के लड़के को रोजगार दिया मैंने। कुछ तो अच्छा बोल दिया करो, मेरे टैलेंट की कुछ तो तारीफ कर दिया करो। गेस्ट आए हुए हैं, कुछ टैलेंटेड तो बहुत है सर। ये न्यू बॉर्न केचुए होते ना, उनको रेंगना सिखाती हैं ये इनका। आई लव यू। तुम्हें पता है हमारी कितनी इज्जत है सर। अभी डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए थे, सरकार की तरफ से हमें भी न्योता आया था। पूरी चिट्ठी पता है उसमें क्या लिखा था? उन्होंने कहा था कि ट्रंप यहाँ पे आ रहे हैं, अहमदाबाद के सारे आवारा कुत्ते नहला धुला के रखने हैं आपने। देखो कपू, ऐसा काम ना कभी किया है ना करेंगे। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, वो इसलिए था क्योंकि मेरे दादाजी ओलंपिक में दौड़े थे, इसीलिए। पूरा बता क्यों दौड़े थे? क्यों ओलंपिक? अरे उनकी मशाल लेके दौड़ गए। आप सोचो जो ओलंपिक में जीतता है उसको ब्रॉन्ज मिलता है, गोल्ड मिलता है, सिल्वर मिलता है। इनकी पीठ पे बांस मिला एक। और अब इन्होंने ना दादाजी की पीठ को फ्रेम करा के ऐसे टंगा हुआ है वहां पे। देखो कप्पू, तुम्हारी इन सब बातों का ना मैं जवाब बाद में दूंगी, क्योंकि फिलहाल मेरे प्ले का वक्त हो रहा है। अच्छा। तो मैं आज्ञा चाहूंगी, आप लोग प्लीज जरूर आइएगा मेरा प्ले देखने। जरूर। थैंक यू। जरूर। थैंक यू। अच्छा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रामायण सीरियल जो है वो स्वर्गीय श्री रामानंद सागर जी ने बनाया था। खुशकिस्मती है कि उनकी ज़िंदगी पर एक किताब लिखने वाले और रामायण की मेकिंग में हर वक्त उनके साथ रहने वाले उनके सुपुत्र भी आज हमारे साथ हैं। तो आप सबकी ज़ोरदार तालियों में स्वागत करना चाहूँगा मिस्टर प्रेम सागर जी का। मंगल भवन नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, आइए सर, आइए। आइए सर। सीता मैया। Yes. जय श्री राम। प्रेम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। प्लीज प्लीज विराजमान हो जाइए, बैठिए सर। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे न्योते पे यहाँ पे आए। और सर हम सब जानना चाहते हैं कि रामायण के साथ आप कैसे जुड़े हुए थे? आप असिस्ट करते थे रामानंद सागर जी को या? मैं तो रामायण के साथ 1975 से जुड़ा हुआ। अच्छा जी। मैं चरस का कैमरामैन था, डीओपी। अच्छा जी, वाओ। हम चरस की शूटिंग कर रहे थे स्विट्ज़रलैंड में। अच्छा जी। तो स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस के बीच में एक बॉर्डर है, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट था ले डेब्ले कैर। अच्छा जी। और वहाँ पे रात को शूटिंग के बाद धर्म और हेमा जी के साथ हम गए थके थके, एंड एक फ्रेंच मैन एक बड़ा सा बॉक्स लेके आया। अच्छा जी। और उसने ऐसे किया, बटन दबाया, उसमें फिल्म शुरू हो गई। अच्छा जी। मैं पापा जी सब खड़े हो गए कि एक बटन दबा रहे थे, फिल्म कैसे, प्रोजेक्टर कहाँ है? उस टाइम टीवी कभी देखा नहीं था, कलर टीवी जी, तो पहली बार कलर टीवी देखा। अच्छा जी। जैसे तो उसी वक्त पापा जी ने डिसाइड किया कि मैं फिल्में छोड़ रहा हूँ। अच्छा जी। मैं टीवी में जा रहा हूँ। मैं ज़िंदगी में 3 चीज़ें बनाऊँगा, एक 12 कला अवतार राम, एक 16 संपूर्ण कला अवतार कृष्णा एंड शक्ति माँ दुर्गा। वाह। तो 76 में उनकी इतनी विजन थी कि 76 में उन्होंने कहा कि फ्यूचर टेलीविज़न है। आज आपका शो विश्व भर में जाता है। शुक्र है सर। आपका शो जिसे कहते हैं विश्व कुटुम्बम, सारे विश्व को एक फैमिली बना के रखा है। आशीर्वाद है सर आपका। तो उस वक्त भी पापा जी की ऐसी विजन थी कि टीवी के माध्यम से ही ये फ्यूचर है। और उसके बाद उन्होंने मुझसे एक पैम्फलेट बनाई और रामायण की, कृष्णा की एंड दुनिया भर में भेजा। तो किसी ने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और कहा कि इसको बाहर फेंक दो। अच्छा। किसी ने कहा कि अपने पापा से बोलो 60 साल हो गए हैं, सटक गए। अच्छा। ये मुकुट मूछ कभी चल सकता है क्या? तो अग्रवाल साहब है। अच्छा जी। RS अग्रवाल। अच्छा जी। मेरे मित्र थे, मैं उनके पास गया कि हम एक टेस्ट मार्केटिंग करना चाहिए। अच्छा जी। हम इसी तरह का प्रोग्राम मुकुट मूछ। अच्छा जी। हम विक्रम बेताल बनाते हैं। अच्छा जी। तो शरद जोशी जी ने मेरे लिए लिखा, बहुत बढ़िया, बड़े कमाल के राइटर हैं जी। बहुत क्या लिखा, क्या कहानियाँ उन्होंने। सोमदेव भट्ट की लेके आए, 2500 साल पुरानी। और जब हमने विक्रम बेताल बनाया, इतना बड़ा हिट हुआ, अरुण जी को शायद पता भी ना होगा, अरुण जी की कास्टिंग विक्रम की इसलिए की थी कि वो आगे जाके राम बनेंगे। वाह। सीता जी की कास्टिंग राजकुमारी के लिए इसलिए की क्योंकि वो सीता जी बनेंगे। सुनील की कास्टिंग अगर आप देखेंगे, राजकुमार बनाया क्योंकि इसने लक्ष्मण करना था। और दारा सिंह जी को हमने वीरवर बनाया क्योंकि उन्होंने हनुमान जी करना था। वाह। हमने सारा विक्रम बेताल, आप मानेंगे नहीं, कपिल जी सागर विला में किया। वाह, क्या बात है यार। एक सीक्वेंस था जहाँ पे कोई दिखाना था, एक डियर जंप्स ओवर, तो ऑब्वियसली डियर वियर मिलना मुश्किल था लास्ट मिनट। सो बकरी उठाकर लेकर आए, पेंट किया एंड दे जस्ट डिड वन शॉट, जंप्ड ओवर द कैमरा एंड यू कांट मेक आउट बकरी। बकरी गोट। एक पंछी का सीक्वेंस था कि महापंछी। हाँ, वो मेरे हाथ पर। अच्छा। हाँ, अभी महापंछी आता है, देखता है, पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर देता है। अभी महापंछी हम लाए कहाँ उस टाइम? क्रोमा वगैरह स्पेशल इफेक्ट ग्राफिक्स होते नहीं थे, VFX तो हाँ तभी आया भी नहीं था, था ही नहीं, है ना। तो हमको एक बाज मिल गया छोटा सा। तो उसका आइडिया एज ए डायरेक्टर हमको करना पड़ा, जो कपिल को मतलब समझ आएगा कि 2 असिस्टेंट, एक कैमरा होता था तो बड़ा क्लोजअप उसका लेते थे ताकि यू नो उसको हम दिखाएं कि ये महापंछी है, जायंट है, ये है। एंड 2 अंडे रखे जाते थे। अच्छा। पहले कैमरा ऑन होता था तो बाज ऐसे सोता था, खरांटे मारता था, अंडा तोड़, तो अंडे तोड़ते थे, अंडे की सुगंध के साथ वो उठता था। कट इट, परफेक्ट शॉट। क्या बात है यार। सर मैंने एक्चुअली, मेरे मन में सवाल भी था, मैं कहा जब आप आएंगे तो मैं आपसे पूछूंगा। जब बचपन में मैं रामायण में हम देखते थे, तीर उड़ते थे, गर्दन कट जाती थी, तो मैं वही पूछने वाला था, कैसे करते थे सर आप लोग? जब पापा जी ने पहली बार मुझे ये तीरों का सीक्वेंस बताया तो मैंने कहा पापा जी मुझे एक लेज़र प्रोजेक्टर चाहिए। अच्छा। बोले लेज़र प्रोजेक्टर चाहिए, उसका किराया क्या होगा? बजट तो लिमिटेड होते थे ना। हाँ। आप जैसा बजट थोड़ी होता था। आप पे तो कुबेर की कृपा है। तो हमने लेज़र प्रोजेक्टर के साथ एंड कंप्यूटर में वो सब तीर वगैरह बनाए और लेज़र प्रोजेक्टर में वो सारे चक्कर के वो जो सारे थे। एंड पापा जी ने मुझे स्टूडियो दिया, कैमरा दिया, और झगड़े तो होते थे ना, उस तरह देख के मैं इस तरफ, ये ले तेरा कैमरा, जा जो करना कर ले। 6 दिन 6 रात मैं निकला नहीं, ना खाना ना पीना। 6 दिन के बाद मैं निकला, मैंने कहा ये लीजिए आपका सीक्वेंस। तो एंड मैं बेहोश हो गया। एंड जैसे उठा तो डॉक्टर का सीक्वेंस होता है ना फिल्मों में, सब डॉक्टर देख रहे होते हैं, पेशेंट देख रहा होता है। मैंने देखा सब देख रहे हैं। एंड पापा जी ने कहा प्रेम बहुत ग्रेट सीक्वेंस है, तेरे लेजर प्रोजेक्टर ने कमाल किया। क्या बात है। आज आपके मुंह से किस्से सुन रहे हैं तो हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी मेहनत की आप सबने। थैंक यू सो मच सर। हमें तो बचपन में वो लड़ाई वाले सीक्वेंस का बड़ा मजा आता था जब तीर चलता था ना, एक और एक तीर चलाया भगवान ने, दूसरा चलाया राक्षस ने, राक्षस का गायब हो जाता था, फिर उसका रिएक्शन देखने को बनवा जाता है, डिश गायब हो गया कहता। प्रेम सर ऐसा तो बहुत बार, मतलब इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ जब आप काम कर रहे हैं और मोबाइल फ़ोन नहीं है आजकल तो झट से हम एक दूसरे को फ़ोन करके पूछ लेते हैं क्या चल रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक दो आर्टिस्ट को बुलाना ही भूल गए हो, बाद में पता चला हो शॉट रेडी है तो हमने तो बुलाया ही नहीं उनको? ऐसा होता होगा आपके साथ भी? हो सकता है, बट उस टाइम ये भी नहीं था कि हमारे पास कोई मतलब एक्टर्स की लिस्ट हो कि हम किस किस को क्या करें। अच्छा। जैसे कि दारा सिंह अगर प्ले कर रहे थे हनुमान जी, सुग्रीव कौन प्ले करेगा जी, उसकी हाइट वीट वो होनी चाहिए। तो बिगेस्ट प्रॉब्लम कि सुग्रीव को ढूंढा जाए, सारा यूनिट लगा हुआ है, वो अखाड़े जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, पर सुग्रीव नहीं मिल रहा है। 7 दिन रह गए, 6 दिन रह गए, सुग्रीव नहीं मिल रहा है। अच्छा जी। हम उमरगांव के जंगल में रात को 2 बजे 3 बजे लाइटें लगा के शूटिंग कर रहे एंड लाइटें ऑफ हुई तो पैकअप हो गया। तो सडनली हमने देखा कि हॉराइजन पे एक बहुत बड़ी फिगर, एक जैसे कि एक विशाल भूत जैसे खड़ा हो गया। सब डर गए कि ये जंगल में बेसुबे मतलब ये क्या हो गया, क्या होने वाला है। एंड वो उठा एंड भागता हुआ हमारी तरफ आया, कोई हिल नहीं रहा, सब बैठे हुए हैं, टेंशन जैसे सीक्वेंस होता है फिल्मों में क्लाइमेक्स। एंड आके उसने छलांग मारी एंड पापा जी के कदमों में गिरा एंड लाइटें ऑन हुई तो उठा एंड पापा ने बोला तू कौन है? कहता मैं सुग्रीव हूँ। वो अच्छा। पापा ने बोला तू सुग्रीव कैसे? कहता मैं इंदौर से हूँ एंड मैं पहलवान हूँ, मुझे लगा कि मुझे दारा सिंह के अगेंस्ट सुग्रीव का काम करना चाहिए, मेरे जैसा सुग्रीव हो ही नहीं सकता। वाह, वेरी कॉन्फिडेंट। ये चमत्कार था रामायण बनाने के वक्त, है ना। उसे बोला तुझे डायलॉग आते? कहता नहीं साहब। तो तू एक्टिंग कैसे करेगा? कहता अखाड़े में हम लोग एक दूसरे को मतलब यू नो क्या क्या बोलते हैं, मैं प्रजा को नहीं बता सकता। अब नजर तू वही बोल। अच्छा। तो मुकुट में अखाड़े के जो शब्द होते हैं यू नो वो सब मतलब इस तरह के लैंग्वेजेस बोलता था। बाकी डबर क्योंकि वो मेकअप रहता था, पता नहीं उसको, उसके एक डायलॉग सुग्रीव ने अपना नहीं बोला और सब डब हो गया था बाद में, डायलॉग डब कर देते। अच्छा, ये बात तो आप सब जानते हैं कि जब भी कोई टेलीविजन सीरियल या कोई मूवी या कुछ भी ऐसा कुछ हिट होता है तो हम सब की जिंदगी के ऊपर उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे जब रामायण आई ना सर तो धनुषबाण बहुत बिकने लगे थे, छोटे छोटे बच्चे धनुष लेके घूम रहे थे और मम्मी को हेलो हाय की जगह प्रणाम माते भी कहना शुरू कर दिया था। मेरी माँ कहती है मेरा ही है ना ये, मेरे को ऐसे बुला रहा है। तो आप सबसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी के ऊपर कभी किसी ऐसे किरदार का प्रभाव हुआ हो या किसी फिल्म को लेके, आप अपने मजेदार किस्से हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जी भाई साहब। हेलो कपिल सर। हेलो जी, क्या हाल है? हेलो एवरीवन। सर बचपन से रामायण देखता हूँ सर, मेरे को बहुत अच्छा लगता है रामायण। और सर मैं एक रामायण का आपको डायलॉग सुनाना चाहता हूँ जो आपका एंड में युद्ध होता है इंद्रजीत के साथ आपका, तो मैं सुनाता हूँ सर आपको वो। लक्ष्मण आज का युद्ध तेरा मेरा अंतिम युद्ध होगा, आज या तू नहीं रहेगा या मैं नहीं रहूंगा, किंतु इतिहास इंद्रजीत को याद रखेगा कि यदि युद्ध में भगवान भी सामने आ गए तो इंद्रजीत ने कभी पीठ नहीं दिखाई, वैसा ही आक्रमण किया जैसा शत्रु पे करना चाहिए। थैंक यू सर। वाह, क्या बात है। तो कैसे याद है आपको डायलॉग? सर वो बचपन से मैं देखता आया हूँ इसको और अभी भी मैं देखता हूँ इसको। तो आपको उन्हीं का डायलॉग याद रहा इंद्रजीत? हाँ, वो मेरे को कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है सर। अच्छा। हाँ जी सर, उसी स्टाइल में बोला भी है। वाह, थैंक यू सर। उसके बाद आपको पता है ना उसका क्या हाल हुआ था? हाँ, उसके बाद सर इन्होंने तीर मारा, उसके बाद वो मर जाते हैं, लास्ट वो होता है उनका। वैसे ही मार दूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब, कमीज के सारे बटन खोल के आए आप। सर सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। शुक्रिया सर, उसके बाद बड़ा फैन हूँ सर। आज से नहीं हूँ, जब सबसे पहले से शो आ रहा था आपका तब से। अच्छा जी, शुक्रिया सर। जैसे कि आपने जो बोला ना प्रभाव क्या पड़ता है, मेरे पे इतना प्रभाव पड़ा ना, मतलब किस चीज़ का मैं क्या बताऊँ सर, ये आवाज़ का और मूवियों का। अच्छा, मतलब ऐसा हुआ कि मैं बचपन से ही आवाज़ इतनी सुनता था, मतलब किसी भी एक्टर की, तो वो बहुत अटैक करते थे मेरे को। टीवी में सिर्फ आवाज़ आती थी सर, वो फोटो नहीं आती थी। वही कह रहा हूँ ना सर, प्रभाव पड़ता था वो आवाजों का ज्यादा होता था, पता नहीं वो कुछ होगा। हाँ होता है, एक ऊपर वाले की देन होती है। हाँ, तो आज वो ऐसा बन गया है कि आज मैं इस टाइम पे नहीं भी तो 70-75 आवाजें निकाल लेता हूँ सर। वाह क्या बात है, कुछ निकाल के दिखाइए कुछ हमें, हमारे मेहमानों को। ओए ओए अमरीशपुरी साहब, अगर आज हम पुत्री उतरी ऊपर से नीचे यहाँ आए हैं तो सिर्फ आपके लिए आए हैं कपिल जी। थैंक यू। और इतनी प्यारी ऑडियंस देखकर तो हम एक ही चीज कहना चाहते हैं, क्या वो गैम्बो खुश हुआ? वेरी नाइस। एक पल में आकर गुजर जाता है शहबा का बोझ होकर और कुछ नहीं। एक पल में आकर गुजर जाता है शहबा का बोझ होका है और कुछ नहीं। इश्क कहती है सारी दुनिया जैसे फेंक रखी धोखा है और कुछ नहीं। चौका बया से। अच्छा सर, ये था स्ट्रगल के टाइम वाला अजय देवगन। सर एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी है। हाँ निकालिए प्लीज, मैं बड़ा फैन उनका। इश्क माँ कसम, मैं आपका फैन है, आप मेरा फैन है, मैं आपका फैन है। मुझे बड़ा मजा आता जब कोई ऐसा मेरा वीडियो बनाता है, मेरे को लगता है बाद में मेरा वीडियो देखा लेकिन माँ कसम डिलीट मार देता, लेकिन सबका बदला लेकर। वेरी नाइस। और एक सबसे वर्सटाइल है हमारे इरफान भाई। हाँ। इरफान खान सर। इरफान क्या भैया, अभी सवेरो बेटा पान सिंह तुम्हारे पहले देश के लिए भागते, देश हमारे पीछे भाग रहा है और भागते भागते हम यहाँ आ गए। बहुत बढ़िया। लेकिन बेटा एक बात है, लोचा डंडा तो है, बाहर अंधेरा है अंदर उजाला है, लगता है एलईडी बल्ब लगा है। तो बेटा लगाओ, सही है, बिजली का बिल कम आएगा तो दिमाग की बत्ती जलेगी तुम्हारी। चल रहे, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। जैसे मैंने पहले कहा दीपिका जी कि फैलती रहती हैं फिल्म स्टार्स के बारे में जो भी पॉपुलर लोग होते हैं, तो ये कुछ अफवाहें हैं। तो सर आपसे शुरुआत करते हैं। पहली अफवाह आपके बारे में लिखी हुई है, क्योंकि आपने रामायण सीरियल में काम किया है, तो अफवाह ये है कि आपने शादी के समय शर्त रखी थी कि शादी तभी करूंगा जब स्वयंवर होगा। ये बात सही है कि गलत है सर? गलत है, अफवाह है। अफवाह। ओके, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, हमारी ज्यादातर अफवाहें गलत ही होती हैं। तो आपके बारे में एक और अफवाह है सुनील जी कि आपका किरदार गुस्से वाला था, तो सेट पे आपको जानबूझ के खाना देर से दिया जाता था ताकि आप नेचुरली गुस्से वाले रिएक्शन दें। यस ये सच है। दीपिका जी आपके बारे में अफवाह ये है कि जब आपने बीजेपी के लिए चुनाव लड़ा तो पार्टी ने साफ तौर से मना कर दिया था कि आप ऐसे आशीर्वाद वाला हाथ ऊपर नहीं करेंगी, ये दूसरी पार्टी को प्रमोट करता है। गलत। गलत है, गलत है। अरुण सर आपके बारे में अफवाह है कि शूट के बाद, विक्रम बेताल की बात है ये। हाँ। बेताल आपकी पीठ पे बैठ के घर तक जाते थे। ये तो अफवाह ही होगी सर। नहीं ये तो अफवाह, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था ये। सर एक और अफवाह है। हाँ। सुनील जी और आपके बारे में कि वनवास के सीक्वेंस के बाद आपको पत्तों पे सोने की इतनी आदत हो गई कि आप 2 महीने तक अपने बेडरूम में भी पत्ते बिछा के सोते थे। यस करेक्ट है, करेक्ट। नहीं मैंने ये नहीं किया कभी भी। अच्छा। I didn't do it. दीपिका जी एक और अफवाह है आपके बारे में कि आप सुनील शेट्टी जो हैं वो आपके भाई हैं। नहीं, क्योंकि आप धरती की बेटी हैं और वो कहते हैं कि धरती मेरी माँ है। सर अफवाहें कैसी कैसी उड़ती मैं आपको बता नहीं सकता। जैसे अभी ये लिखा है कि रामायण में आपके तीर चलाने का टैलेंट देख के गवर्नमेंट आपको ओलंपिक में भेजने की सोच रही थी। ये अफवाह है कि सच है सर? नहीं नहीं अफवाह। चलिए इसी के साथ हमारी अफवाहें समाप्त होती हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। प्रभु आप यहाँ हैं तो दुनिया कौन चला रहा है? अरे बस अरुण जी, दीपिका जी, सुनील जी, प्रेम सागर जी, आप सभी को हमारा सादर प्रणाम है। मतलब आप लोगों को सादर प्रणाम है, आपको सागर प्रणाम है। लेकिन यार आज तो आए एकदम साफ साफ हमें क्लियर क्लियर दिखाई दे रहे हैं। मतलब नहीं कपूर शर्मा अर्चना जी जब इनका धारावाहिक आता था तब जब तक एक आदमी टेरिस पे जाके एंटीना एडजस्ट ना करे कहाँ साफ दिखाई देते थे, याद है? होता था। और अर्चना जी सच बताएं उस जमाने में आपको पता है सभी के चार चार बच्चे क्यों होते थे? क्यों? क्योंकि एक बच्चा टेरिस पे जाके एंटीना एडजस्ट करता था, एक बच्चा टीवी पे देख के बताता था कि हाँ साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और बाकी के दो तो माँ बाप के बीच में प्यार भी होता था यार। सारे बच्चे एंटीना एडजस्टमेंट के लिए पैदा करेंगे क्या? कमाल का बात कर रहे हैं। वैसे इसी काम को मद्देनजर रखते हुए हमने 11 बच्चे पैदा किए, लेकिन तब तक केबल आ गया। लो यार सारे बच्चे वेस्ट। पर तेरे वाले तो अभी हुए ना, तो बात तो तब की कर रहा है तू। अरे हाँ 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 सर, इस बात में सच्चाई है सर। जब आपका धारावाहिक आता था तो हमारा शादी हो गया था, पर बच्चे जरा लेट आए, क्योंकि क्या है आपका धारावाहिक देखने के बाद वैसे ख्याल दिल में आते ही नहीं थे ना। तो है मतलब इतना धार्मिक माहौल कर दिया था कि सच में कई बार तो गलती से हमने अपनी बीवी को बहन बोल दिया। कि हे बहन प्यास लगी है, जल प्रकट किया जाए, ऐसा कुछ क्या प्रकट किया जाए। प्रेम सागर जी, कपू शर्मा सच में कह रहे हैं, पहली बार हमने प्रेम के सागर को देखा है, वरना आज तक प्रेम के चोपड़ा को ही देख रहे थे हम। आप तो बूंद बूंद से बने होंगे सर, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। सर ऐसी बातें हम करते रहते हैं, थोड़ा माहौल बनता है जोक्स बॉक्स का। लेकिन बहुत ही प्यारे भोले क्यूट इंसान है। मतलब इनको ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कोई इशारा करे ना तो समझ में ही नहीं आता। कैसे? नहीं सच बता रहे हैं। देखिए शादी से पहले करीना कपूर कई बार जोर जोर चिल्ला चिल्ला कर कही थी कि मैं प्रेम की दीवानी हूँ, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, ये समझे ही नहीं। दीपिका जी जी बहुत प्यारी हैं आप। कपूर शर्मा एक बात तो मानना पड़ेगा। क्या? दीपिका कोई भी हो सुंदर तो होती है। लेकिन सच में सर हिस्ट्री क्रिएट किया आपके धारावाहिक ने, हिस्ट्री। वैसे हिस्ट्री से एक हिस्ट्री का सवाल हमारे दिमाग में आ रहा है, इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क। क्या? यार ये लैपटॉप में हिस्ट्री को डिलीट कैसे करते हैं? ये क्या बेतुका सवाल पूछ रहा है? नहीं अर्चना जी क्या हुआ कि हमने ना अभी सर्च किया थोड़े दिन पहले, तलाक कैसे लें। अब अगर ये वाला हमारा सर्च हमारी बीवी तितली ने देख लिया तो सच में वो तो हमको तलाक ही दे देगी। तो क्यों तलाक लेना, इतनी सुंदर तो अच्छी तो है वो। हमारी बीवी को आपने सुंदर कहा? हाँ। कपूर शर्मा आज हम मानते हैं यू आर बेस्ट कॉमेडियन ऑफ द वर्ल्ड यार। सच में हमने जिस लड़की को बीवी बनाया है उससे बेहतर हम स्वेटर बना लेते। मजाक नहीं कर रहे हैं, कम से कम ठंड में काम तो आती। लेकिन अब हमने तय कर लिया है कि इस बीवी को हम छोड़ रहे हैं, बस दूर कर देंगे तितली को अपने आप से, दूर। प्रणाम। हाय रब्बा, मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ ना, आपका सीरियल इतना धार्मिक था कि जब मेरे डैडी टीवी चलाते थे ना तो पहले नारियल पानी से धोते थे। ओह माय गॉड। और ये कभी क्रिकेट खेल लो ना आप लोग तो कभी इंडिया हार नहीं सकती। क्यों? क्यों? क्योंकि मैंने देखा था इनके सीरियल में देवर जी, यहाँ ऐसे करके हवा में तीर रोक लेते थे। हाँ। इन्होंने ऐसे करके ना हवा में बॉल रोक लेनी, फिर बस भाग के रन बनाई जो। लेकिन ओ माय गॉड, मैं तो अपना बताने भूल गई। माई सेल्फ तितली एंड ही इज माई बैटरफुल। बेटर फुल्ली बेटर हाफ होता है भाभी। किधर से हाफ है? ये तो पैदा भी नहीं हुए थे, पृथ्वी से टकराए थे फिर नीचे आए। Oh my God, too cute। यही तुम्हारी ऐसी बातों की वजह से ना सब कुछ छोड़ छाड़ के हम जंगल जा रहे हैं। निकलो अभी निकलो है? और जो 11 बच्चे अंदर रखे हुए हैं ना उनको लेके निकलो। देख रहे हैं सर आप देख रहे हैं कितनी हिंसक बीवी है हमारी, इसलिए सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं हम। वरना सर बताइए हमारा जैसा हैंडसम डूड टाइप का लड़का, डूड टाइप का लड़का, उसे एकदम क्यूट ब्यूटीफुल हॉट टाइप की लड़की मिलनी चाहिए थी कि नहीं? मतलब देखिए हमें क्या कमी है हम में। सर जरा इसके ऊपर का देखिएगा, नीचे कमी दिख जाएगी। ऊपर यहाँ से उनसे क्या कह रहे हो? वो तो बैक से खुद मुझे कह रहे थे पुत्री अपना नंबर देना। सर तुम लोग इतना झगड़ा करते हो, शादी क्यों की फिर तुम लोगों ने? ओ देवर जी हमारी शादी नहीं हुई। क्या हुआ? मैं ट्रूथ एंड डेयर खेल रही थी, ये डेयर में मुझे मिला है। मैंने नहीं आपसे बात करनी, मैं इनसे करूंगी। मैंने ना सर देखे आपने बहुत सारे धार्मिक सीरियल किए ना, तो सच्ची में उस समय में राजाओं की 100 बीवियां हुआ करती थी? नहीं, बहुत सारी होती थी। अरे सर ये तो क्या कमाल का माहौल है। मतलब एक बीवी अगर गुस्सा हो जाए तो मनाने का टेंशन ही नहीं, सीधा दूसरी के पास। हमें देखिए हमें तो 1 ही 100 के बराबर मिली है। और शुक्र कर तुझे बीवी मिल गई है, तेरी तो कूपन में साबुन नहीं निकला कभी। शर्म नहीं आती तुझे? आप कौन होते हो मेरे पति को डांटने वाले? ओ मैंने तुम्हारी साइड ली है भाभी। आप होते कौन हो? माना कि आपके नाम का शो है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु के सामने आप मेरे पति की बेइज्जती करोगे। प्रभु के सामने अगर ये सबके प्रभु हैं तो वो मेरा प्रभु है, मेरे देवता हैं। कभी आपने उनको ढंग से देखा है? ये तो चलो नॉर्मल धोती है, कभी गीली धोती में देखना। सच्ची कह रही हूँ अर्चना जी, गीली धोती में जब नहा के निकलते तो ऐसे लगता कि डिंपल कबाड़िया समुंदर से निकल रही है ना जी। ये छोड़िए झगड़ा वगड़ा तो हमारा चलता रहता है, होता रहता है। हम आपको जोक सुनाते हैं। जोक हमारा एक दोस्त है अली, ठीक है? अब वो सड़क पे जा रहा है, अचानक उसे एक 100 का नोट सड़क पे दिखाई देता है, तो अब हम अली को क्या कहेंगे? क्या? लकी अली। मजा आ गया यार। हो गया? हंस के बेहोश हो गए सारे। चलो अंदर, जूठे बर्तन और मैले कपड़े पड़े हैं, आओ जाके धोए। अरे यार तुम तो रोमांटिक हो जा रही हो। चलिए सर हम चलते हैं, थोड़े कपड़े धोने हैं हमें। चलिए प्रभु प्रणाम। जी प्रणाम। अच्छा जी प्रणाम। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारे साथ इस समय शिव सागर जी, जो प्रेम सागर जी के सुपुत्र हैं और स्वर्गीय रामानंद सागर साहब के पोते हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद है। प्लीज़ सर आप भी मंच पे आइए और रामानंद सागर साहब की ज़िंदगी के ऊपर, उनके काम के ऊपर एक जो बुक लिखी गई है, प्रेम सागर जी ने जो लिखी है, उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई है, जो काम शिव सागर जी ने किया है। तो मैं चाहता हूँ कि सर उसके बारे में थोड़ा कुछ बताएँ आप। 3 साल से हम लोग किताब लिख रहे हैं। मैंने रिसर्च की है किताब पे। अच्छा जी। और पापा ने लिखी है, तो बहुत सारी पुरानी फोटोज़, उनके 3rd क्लास का पास जो पापा जी देवानंद के साथ शेयर करते थे। अच्छा जी। अपना बॉम्बे की ट्रेन से, तो वो सारी पुरानी चीज़ें, फोटोग्राफ्स, डॉक्यूमेंटेशन, वो सारा है किताब में। तो बहुत अच्छा सफ़र रहा है। थैंक यू सो मच सर। उसके लिए बुक भी ले आए हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत बुक जो है, जो रामानंद सागर साहब की ज़िंदगी के ऊपर है, उनका जो योगदान रहा है टीवी इंडस्ट्री में और फिल्मों में, बड़ी प्यारी बुक है। प्रेम जी इसके बारे में और कुछ बताइए आप। अगर आप देखेंगे जी सर, तो इसके जो टाइटल है, एन एपिक लाइफ रामानंद सागर जी, फ्रॉम बरसात टू रामायण। वाओ। 1949 में पापा जी की सबसे पहली फिल्म बरसात थी। और मुझे याद है मलाड में एक तेरेसा विला था, उसके एटिक में बैठ के बरसात दिखा करते थे उसकी स्क्रिप्ट। और मुझे ये भी याद है कि बरसात जब वो एटिक में लिख रहे थे तो पृथ्वीराज जी के लिए पापा जी ने प्लेस लिखे थे पृथ्वी थिएटर्स के लिए। तो राज कपूर जी ने पहले एक फिल्म बनाई थी अंदाज जो बहुत बड़ी हिट हुई थी जी। उसके बाद 2 फिल्में बनाई आ और आग, पर वो चली नहीं। पर राज कपूर नरगिस की जो जोड़ी थी जो कहते हैं ना कमर्शियल हिट जोड़ी, तो वो सर्च कर रहे थे कुछ ऐसी स्क्रिप्ट हो, तो उन्होंने अपने पिताजी से पूछा पृथ्वीराज, कहते एक ही आदमी है जो तुम्हें मतलब जिससे कहते हैं मोहब्बत, उसके पूरे 9 रसों की कहानी दे सकता है, वो है रामानंद सागर। वाह। तो जंगल था मलाड में, तो राज कपूर जी वो जंगल में से चल के आए और एटिक गए 2 माले पे एंड बरसात की स्क्रिप्ट सुनी। अगले दिन नरगिस को लेके आए, नरगिस रो पड़ी। वाह क्या बात। बरसात मेड हिस्ट्री। उस टाइम 1 करोड़ 10 लाख कमाया जो आज के 700 करोड़ हुए। क्या बात है। वाह। और इन पैसों से राज कपूर जी ने आरके स्टूडियो बनाया। तो संकल्प ये है कि ये सबको इंस्पायर करें कि मतलब एक आदमी जिसने प्यून का काम किया, सड़क पे साबन बेचे, है ना, और जर्नलिस्ट बने एंड मुनीम का काम किया, वो आदमी एक दिन रामायण बना सकता है। इस किताब की कमाई रामानंद सागर फाउंडेशन में जाएगी जन कल्याण के लिए। थैंक यू सो मच प्रेम जी। ये बहुत ही खूबसूरत किताब है और जो अभी प्रेम सर बता रहे थे, ये अभी छोटी छोटी झलकियाँ बता रहे थे। सो ये बुक पढ़ने के बाद जो हमारी जनरेशन होती है ना, बहुत बार हम लोग जल्दी गिव अप कर जाते हैं कि यार ये नहीं हो रहा तो शायद हमसे नहीं होगा, पर ये किताब पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन सर, आप हमारे शो पे आए नहीं। और थैंक यू सो मच कपिल जी सर। और क्या ला सकता था तुम्हारे लिए, एक रामायण का ओरिजिनल डीवीडी सेट है। अरे वाह। सराउंड साउंड में। थैंक यू 35 मिनट डीवीडी। थैंक यू सो मच सर, इट्स अ ब्यूटीफुल गिफ्ट सर। थैंक यू सर। थैंक यू। मैं दोबारा देखूंगा रामायण अब। शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारे तमाम मेहमानों के लिए। आइए सर, आइए मैम। थैंक यू प्रेम जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू दीपिका जी, थैंक यू अरुण सर। आप लोग आए और यादों को ताज़ा किया और इतने मज़ेदार किस्से हमारे साथ शेयर किए। थैंक यू सो मच सर। प्लेजर। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब भी यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखें और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। गुड नाइट, शब खैर। थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।